वीडियो इंस्पेक्टर विजन ने दिखाया उसमें शक्ति बार बार ऐसा क्यों बोल रहा था कि उसे दीपिका की शादी में साउथ दिल्ली जाना है? ओ तो 11 के लिए जंजीर तोड़ के यहाँ आना है उसे, जो उसके लिए दीपिका है। ओ नो, अगर शक्ति यहाँ सच में आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पर बेचारी प्रथा, अरे प्रथा ने तो उस बात की गलती भुगती है जो गलती कभी उसने की ही नहीं। वो तो दिल से, बहुत ही दिल से ऋषभ से प्यार करती थी। भाई प्रथा भाभी ने कुछ नहीं किया था, वो इनोसेंट भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तब मैंने किया भाई, तब मैंने किया भाई। तो प्रिंसेस, ऑल इज वेल? या ऑल इज वेल। ऋषभ ने मुझसे सॉरी क्यों कहा? हो सकता है प्रथा की कोई गलती ना हो सकता है वो बेकसूर हो, पर अब माफी मांगू भी तो कैसे? वो वक्त, वो प्यार जा चुका है, प्रथा जा चुकी है। यारा, शादी का मुहूर्त हो रहा है, सजो सवरो, दुल्हन बनो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। हाँ, अब तो इस दुल्हन को बहुत सारी तैयारियां करनी है, इतनी सारी तैयारियां की सब देखते रह जाएंगे। ऋषभ, तुम या? हाँ दीपिका, मैं। मैं तुम्हारा दीवाना, तुम्हारे लिए तो आया हूं मैं। क्या बताऊं तुमसे कितना प्यार, और तुम होके मुझको छोड़कर रणवीर से शादी कर रही हो। सॉरी ऋषभ, ये तुम्हें ये नया हेयर स्टाइल कैसे? तुमने विग पहनी है क्या? तुम्हारे बाल इतने अचानक लंबे कैसे हो गए? और ऋषभ, तुम्हारी आंखें? नहीं, तुम ऋषभ नहीं हो ना? सच्ची बताओ, तुम ऋषभ नहीं हो ना? नहीं हो ना? मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारा। How dare you? तुम ऋषभ नहीं हो, तुम ऋषभ हो ही नहीं सकते। ऋषभ कभी ऋषभ 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 क्या ऋषभ ऋषभ लगा क्या रखा है? क्या ऋषभ 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 ऋषभ? हमारी अदा सेम है, हमारा चेहरा सेम है, तो क्या ऋषभ ऋषभ? मैं ऋषभ का भाई हूं, शक्ति। शक्ति आ गया है दीपिका। शक्ति आ गया है दीपिका, और आज की रात हमारी सुहाग रात। आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये ऊपर से क्या हुआ सारी? बताऊं मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। इतना प्यार के जब तक तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार ना देख लूं ना, तब तक तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं।
और ना किसी को छूने दूंगा। I promise। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। क्या बताऊं तुम्हें, तुमसे कितना प्यार हो गया है मुझे। इतना प्यार के तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा और तुम्हें मार भी सकता हूं मैं। Please। और तुम्हारे आंखों में प्यार देखे बिना तो मैं तुम्हें हाथ भी ना लगा। ये ऋषभ नहीं हो सकता। तो फिर ये कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है, ये जोर जबरदस्ती मुझे छूना चाहता है? ये कौन है जो मुझे इतना चाहता है? ये मार पीट के प्यार पाना, ये ऋषभ का प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषभ तो प्यार में देने में बिलीव करता है। ये ऋषभ हो ही नहीं सकता। तो ये है कौन? अभी वो, I'm sorry, वो actually मुझे मुझे पता था कि शक्ति अपनी जंजीर तोड़कर इस तरफ आ रहा है, इसलिए मुझे वो रूप लेना पड़ा जिसे ये दीपिका समझ रहा है। पर कुछ तो बात है इसमें, पागल है और पागलपन का प्यार भी इसमें। इसे देख के कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। कोई भी हाँ, पर प्रथा नहीं। अगर प्रथा जिंदा होती ना तो 5 सेकंड नहीं लगाती ये बताने के लिए कि ये ऋषभ नहीं है। अब इसका क्या करेंगे? चलो रोशी, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। रुको। हेलो, कहाँ हो तुम? मैम मैं पहुंच गया हूँ, बस आपके पास कॉल करने ही वाला था। अरे वेरी गुड। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहीं बाहर खड़े रहो, मैं आती हूँ। इसे जेल में डालने वाला सब इंस्पेक्टर आ गया है। बस ये प्रॉब्लम है कि इस पागलपन की दुकान कुबार कैसे लेके जाए। कितना भारी है, जैसे कि 100 किलो का पत्थर हो। ये जंगली तो बहुत भारी है, 100 किलो के पत्थर से भी ज्यादा हैवी है। डायनासोर को उठाना भी मुश्किल है और बाहर लेके जाना भी मुश्किल है, और कहीं रास्ते में इसको होश आ गया ना तो ये तो तबाही बचा देगा। वैसे मैं यहाँ अपने नागिन रूप में आती नहीं हूँ, मुझे आज आना ही पड़ेगा। और ऋषि तुम एक काम करो, तुम वहां बाहर जाओ और तुम वो सब इंस्पेक्टर से मिलो और उसको बातों में उलझाओ। मैं इसे उठा के बाहर लेके आती हूँ। जाओ तुम, जाओ ना, जाओ 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 जाओ। खोल रहा है मेरा मन, तो करता है तेरे 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दूं, लेकिन नहीं कर सकती हूं। मुझे अभी भी तुझे और यूज करना है।
मुझे अपनी जिंदगी में आने देने के लिए थैंक्स अ लॉट। तुमने मेरा साथ दिया है तो आज मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, इस साथ का जिंदगी भर साथ दूंगा। तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए राजू। जब से तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है तब से मेरी तो जिंदगी बन गई है। हे भगवान, मेरे प्यार से क्या दुश्मनी है आपकी? हर बार मेरा प्यार छीन देते हो। आज मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आप सच में हो तो ये शादी रोक के दिखाओ। ये शक्ति जो इतने सालों से बीड़ियों में बंधा हुआ था, इसने अपनी बीड़ियां कैसे तोड़ दी? अब यहाँ आके हमें तोड़ रहा है। यस मैम, हीना मैम ने सडनली मुझे याद किया। जी हाँ, वो क्या है ना, एक बहुत ही खतरनाक जानवर, मेरा मतलब है बहुत ही खतरनाक आदमी है, जिसे लॉकअप में 2 दिन के लिए बंद करना है आपको। 2 दिन बाद हम उसे आके ले जाएंगे। ओके, चलिए। नहीं नहीं नहीं, वो हीना उसे लेकर आ रही। लेकिन अभी आपने कहा कि खतरनाक जानवर है, तो फिर हीना कैसे लेके आएगी? कहाँ है वो आदमी? चलिए मैं लाता हूँ। अब नहीं नहीं, मैंने कहा ना, बस वो ला ही रही होगी, थोड़ी देर वेट करें। ये लीजिए, आ गई। आप इसे नीचे कैसे ले आए? अरे वो सब छोड़ो यार, पहले इस बोझ को ठिकाने लगाओ ना। गजाननम भूतगणात् वितंकप्रत्यजम्बो फलचारु भक्षणम्। भगवान जी, शादी शुरू हो गई है, प्लीज इसे रोक दीजिए, प्लीज स्टॉप इट। रीम, मॉम और हीना कहीं दिखाई नहीं दे रहे, एनी आइडिया वो दोनों कहाँ पे हैं? पता नहीं, कहीं तो होंगे। जल्दी चलो। अरे प्रथा ने तो उस बात की गलती भुगती है जो गलती कभी उसने की ही नहीं। वो तो दिल से, बहुत ही दिल से ऋषभ से प्यार करती थी। भाई प्रथा भाभी ने कुछ नहीं किया था, कि वो इनोसेंट, भाई उन्होंने कुछ नहीं किया था, तब मैंने किया भाई, तब मैंने किया भाई। कर लो ऋषभ, जितनी पार्टी करनी है कर लो, क्योंकि ये पार्टी, ये खुशी तुम्हारी जिंदगी का लास्ट सेलिब्रेशन है। वहां कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो हूबहू ऋषभ जैसा है। प्रथा बार बार यही कहती रही कि उसका ऋषभ उसे धोखा नहीं दे सकता। उसे यकीन था कि ऋषभ ने जो किया उससे महक ने करवाया। I'm sure महक ने ही उसे इस हमशक्ल की मदद से ऋषभ और प्रथा को जुदा किया है, और आज रात को प्रथा ऋषभ को मारने वाली है। नहीं, मुझे ये सच किसी भी तरह प्रथा को बताना होगा। लोगे काम करो, इस वैन में डालो, मैं उसे देखती हूं। चलिए। ये गौरी क्यों नहीं आई अब तक?
प्लान शुरू करना था। मेरी जान भी जाती है तो चली जाए, पर मैं प्रथा को ये इतना बड़ा सच बताए बिना मरूंगी नहीं। बहुत नफरत करती है वो ऋषभ से, पर उसकी नफरत में भी उसके प्यार का दर्द है। जब उसे सच पता चल जाएगा तो उसका सारा दर्द पिघल जाएगा और उसे फिर उसका प्यार मिल जाएगा। मैं महक के सामने इच्छाधारी नागिन भी नहीं बन सकती, वरना मेरा राज खुल जाएगा। महक को पता चल जाएगा कि मैं इंसानी रूप में यहाँ किसी की मदद करने आई हूँ, और महक को सबसे पहले प्रथा पे ही शक होगा। ठूस दिया कपड़ा मुंह में, अब जब होश आएगा तो चारों तरफ गुर्राएगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। फिलहाल तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ इसे यहाँ देख देख के। जल्दी से इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज, जल्दी। क्या हुआ, कहाँ जा रही थी? हाँ, किसे बताने जा रही थी कि ऋषभ का एक जुड़वा भाई भी है? डिटो उसके जैसे लगता है। डर लग रहा है? वो तो तुझे लगेगा ही। शेष नागिन ऐसी एक चीज है जो एक सेकंड में तुझे खत्म कर सकती है एक डंक से। वैसे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज तू शेष नागिन के हाथों मरेगी। डोंट वरी, मैं तुझे तड़पा के नहीं मारूंगी, एक सेकंड में खत्म कर दूंगी। मर गई। ओह माय गॉड, वाह शक्ति, और यहां ये, अब ये क्या कर दिया तुमने? हीना मैम, ये क्या क्या आपने अपने हाथों से ही खून कर दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं इसे मारा है। किया तो है। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं कि आपने नहीं मारा? तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये गौरी क्यों नहीं आई अब तक? प्लान शुरू करना था। गलती तो तुमने की है ऋषभ, बहुत बड़ी गलती, और उस गलती की सजा आज मैं तुम्हें दूंगी। याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। नहीं पता चलेगा मैम, आपका राज मेरा राज, जो खुलने से पहले ही दफन हो गया। अब मैं मंत्रोच्चारण करूंगा और आप लोग ये हवन सामग्री हवन कुंड में डालेंगे। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। मैंने गौरी को बुलाया था मेरी जगह मंडप में बैठने के लिए, पर पता नहीं क्यों वो आई नहीं। पर अब वक्त आ गया है मंडप पे धुएं की चादर डालने का, उस कातिल को मारने के लिए जिसने मेरे प्यार, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे पे कफन की चादर डाल दी। इंतकाम का वक्त आ गया।
वही प्रथा जिसने तुमसे टूट के प्यार किया, वही प्रथा जिसने तुम्हारी दुनिया में आने के लिए अपनी दुनिया को छोड़ दिया, वही प्रथा जिसने तुम्हारे चेहरे को अपना चेहरा बना लिया, तुम्हारी आंखों से खुद को देखा, वही प्रथा जिसकी कोख में हमारे प्यार की निशानी थी, वो निशानी जिसकी कहानी तुमने लिखी थी पर उसकी कहानी बनने से पहले तुमने खत्म कर दी। तुमने उस निशानी को मार दिया ऋषभ, तुमने प्रथा के प्यार को मार दिया ऋषभ, तुमने प्रथा की कोख का खून कर दिया ऋषभ, तुमने उसके सपनों का खून कर दिया, उसके आत्मसम्मान तो क्या, उसके आत्मा को भी मार दिया तुमने, और तुमने प्रथा का एक बार नहीं बार बार खून किया है, इसलिए आज मैं आई हूं और तुम्हें सजा दूंगी हर बार के लिए जितनी बार तुमने मुझे मौत दी है। अब वही प्रथा तुमसे अपने हर एक खून का बदला लेने आई है। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मेरा कहने का मतलब है कि तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि काश मैं वो लड़की होती जिससे तुमने बहुत प्यार किया था? क्योंकि अगर वो आज जिंदा होती तो मेरी एक ही ख्वाहिश कि मैं मर जाऊं, वहीं चला जाऊं उसके पास। उसी के पास। ठीक है, तो आपकी ये चाहत आज मैं पूरी करती हूं। नहीं मार सकती मैं तुम्हें, नहीं मार पाऊंगी। सच में बहुत प्यार किया तुमसे ऋषभ, नहीं मारना चाहती मैं तुम्हें, पर तुमने हमारी प्यार की निशानी को ही मार दिया ऋषभ, तुमने मेरे प्यार को मार दिया, मेरे कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया तुमने ऋषभ। वो क्या है ना एक्चुअली मुझे ये दुआ से ना बहुत एलर्जी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये दुआ ना बहुत बुरा होता है, वो कोई भी नई बीमारी दे सकता है या फिर कोई पुरानी बीमारी वापस ला सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, सी ऑल इन ऑल मुझे दुआ से बहुत एलर्जी है, तो इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। ओह लेट्स गो। अब वर वधू का गठबंधन कीजिए।
अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अरे वो देखो, ऊपर वाले कमरे में आग लग गई है। गौरी, तुम्हारी यहाँ गौरी, क्या हुआ, क्या हुआ गौरी, गौरी गौरी, तुम्हारी यह हालत कैसे? दो दो दो, दो। गौरी गौरी गौरी, ये सब कैसे हो गया? तुमने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब। गौरी मुझे माफ करना। रूम में कौन था? शायद कोई है, आप जाके देखिए ना। अंदर शायद ऋषभ था।